वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर ने हमारे से सवाल किया है कि आजकल का जो टाइम चल रहा है इसके अंदर जबकि मार्केट थोड़ी डाउन है, तो हम घर बना के सेल करें, अपनी इन्वेस्टमेंट में मुस्तर यूज़ करें, उसमें हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, या फिर हम किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करें, हमें ज़्यादा फ़ायदा किस में होगा। तो ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। आप घर बना के बेचें या किसी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकते हैं ज़्यादा, क्या बेहतर है? देखिए, घर बनाने का बिज़नेस ना माजी में बहुत अच्छा बिज़नेस हुआ करता था, और असल में वो उस वक्त ज़्यादा अपार्टमेंट का, शॉप्स का, ऑफिसेज का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, वर्टिकल बिल्डिंग का कल्चर नहीं था। ये इमरान खान के दौर में ये कल्चर सरकारी सतह पर इसको आवाज़ दी गई, क्योंकि पहले वो जो सिविल एविएशन वाले थे जो वो ही नहीं किसी को 5 स्टोरी से ज़्यादा बना देते थे कि जी जहाज़ गुजरना है जहाज़। यानी दुनिया में देखे इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनती थी, लेकिन हमारी वो इल थिंकिंग जो अदारों के अंदर वो जो सरकारी मुलाजम है उनकी, जी ऊँची ऊँची बिल्डिंग नहीं बनानी जी, वो जहाज़ का मसला होता है जी, वो फ्लाइट जो है वो उसको प्रॉब्लम आती है। इतने साल मैं सुनता रहा, क्योंकि दुनिया में तो ये बिल्डिंग आज से 20 साल पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, 20 साल पहले बन रही थी। कराची में फिर भी कुछ बेहतर था क्योंकि वहाँ आबादी बहुत थी, तो अपार्टमेंट लोगों को चाहिए थे। लेकिन फाइनली इमरान खान की दौरे हुकूमत आया और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे उठाया कि भाई पाकिस्तान में वर्टिकल बिल्डिंग बननी चाहिए, बिकॉज जो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है। तो फिर लोगों को जो घर बना के बेचने का जो बिजनेस था वो कम प्रॉफिटेबल नज़र आया, क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना, घर बनाने का बिजनेस जो है वो बड़ा प्रोफेशनल अप्रोच के साथ किया जाना चाहिए। या आप अगर घर बनाते हैं, बना के अगर आप बेचते हैं, तो आप घर के ऊपर कितना मुनाफा लेना है, कब बेचना है, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। लोग क्या करते हैं कि ये प्लॉट पहले लेके रख लेते हैं, फिर उसमें वो घर बनाते हैं, और उस वक्त के प्लॉट की कीमत और कंस्ट्रक्शन की कीमत लगा के जो घर बेचना चाहते हैं वो हर कोई मार्केट में बेच रहा होता है, उनका बिकता नहीं है। लेकिन जो लोग ये देखते हैं कि मेरी प्लॉट की बाइंग जितनी थी उसमें मैं कोई प्लॉट में 70% प्रॉफिट ले लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन में मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, तो कुछ मार्जिन वो छोड़ते हैं, और इसलिए उनका घर जल्दी बिक जाता है कि मार्केट में जो घर हैं उसमें थोड़े से पैसे ये कम ले रहे होते हैं। तो ये बिज़नेस बहुत चल रहा था, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट वाला बिज़नेस आ गया, यानी उसके अंदर यूनिट्स का, कि वो तो पेपर में बिक जाते हैं ना, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है तो आपने एक फ्लोर प्लान्स दिया है और उसके ऊपर आपका कस्टमर आ गया, उसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और इंस्टॉलमेंट पे देगा, तो वो बड़ा आसान लगा, क्योंकि घर के अंदर आप आखिरी नुक्कड़ तक जो आखिरी एक इशू है वो भी सॉल्व करेंगे, तो फिर जाके कस्टमर जो है ना ओके करेगा घर, और फिर वो पैसा देगा। और वो अगर 10 मरले का घर है तो आपका फर्ज करें 3.5 करोड़ रुपया लग चुका हुआ है और 50 लाख रुपया आपको उसमें से बचना है, तो आपने साल खुद भी पूरा लगाया और उसके बाद घर बनाया और उसको उस लेवल पे लेके गए, फिर पैसा वापस आना शुरू होता है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर यह है कि आपका पैसा जल्दी आना शुरू होता है, लोग अपना पैसा डाउन पेमेंट दे देते हैं और उसके बाद वो किस्तें देते रहते हैं, तो फी जमाना, तो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना ही फिजिबल है, बजाय कि इतनी बड़ी वो करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप पाकिस्तान में ना हाउसिंग की नीड को एड्रेस करने के लिए ना कोई जामिया प्रोग्राम गवर्नमेंट का तो है ही नहीं, पिछली गवर्नमेंट का था जो मेरा घर स्कीम थी कि भाई बैक उसको मॉर्गेज करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी लोगों कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट हो और वो छोटे घर प्लान करें, 3 मरले, 4 मरले, 3.5 मरले, तो उसका बड़ा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। एक तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी निकल सकती है, फिर वो उनकी जो घर है वो निकलेंगे तेज, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत है, इतने पैसे का जो कस्टमर है वो बहुत है मार्केट के अंदर, और उसका जो छोटे घर में रहने की जो अपने घर में रहने की उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है। फिर अगर आप उसको 50% पहले ले लें और 50% की इंस्टॉलमेंट कर दें तो ये और सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो जो है वो मैनेज हो जाएगा। और तो सो हर हवाले से घरों का भी बिज़नेस अच्छा है, अपनी अपनी चॉइस की बात है कि आप उसमें किस में कम्फर्टेबल हैं। ख़ासतौर पर वो जो दुकानदार हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ जिनका काम ज़्यादा बैठने का है, वो अगर घर बनवा रहे हो साथ में बिजनेस उनका हो, तो उनकी ये ना सुबह साइड पे जाएंगे, बीच में भी कभी साइड पे चक्कर लगेगा, शाम को भी चक्कर लगेगा जब, क्योंकि बंदा तो उससे ना उनका जो एक ज़्यादा देर का बैठना है उसके मुकाबले में वो फिर थोड़ा फिजिकल हो जाएंगे, मतलब उनकी जो चलना फिरना है बढ़ जाएगा,
और वो सुपरविजन के अंदर ही काफ़ी उनकी जो है ना वो बेहतर सुविधा रहती है, क्योंकि पैसा तो उनके पास होता है। अब जो एस्टैब्लिश दुकानदार हैं उनको माल जो है वो क्रेडिट पे मिल जाता है, लोग खुद आके माल छोड़ जाते हैं, है जी, वो उसमें सरमाया उनके पास होता भी है और थोड़ा क्रिएट भी किया जा सकता है, और वो सरमाया घर बनाने के बिजनेस में लग सकता है और उससे उनको एक साइड इनकम आ सकती है और उनका, और लोग कर भी रहे हैं ये, इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग। लेकिन बहरहाल किसी भी काम में जाने के बाद ही आप खुद जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्या आपके लिए फिजिबल है कि नहीं। हर चीज़ हर के लिए फिजिबल नहीं होती, लेकिन बहरहाल बिजनेस अच्छा है, कोई भी कारोबार जो है वो बेहतर ही है अगर आप उसमें करें तो। आप हो सकता है आज तक किसी ने वैसा सोचा ना हो जैसा आप करना शुरू कर दें, या आप उसके अंदर कोई नई चीज़ ले आएँ, उससे काम ही ऑल टुगेदर बेहतर हो जाए। प्राप्त इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।